दोस्तों राजस्थान की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे मात्र 2 रन। फिर दोस्तों हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी कराते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 20वें ओवर में बड़ा चमत्कार कर दिया और हैदराबाद टीम को जिता दिया 99% हारा हुआ मुकाबला। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार हैदराबाद की टीम ने कैसे राजस्थान को हराया। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 50वें मुकाबले में राजस्थान टीम के खिलाफ हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया 201 रन का, जिसमें हैदराबाद टीम की ओर से 4 नंबर बल्लेबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी ने 76 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली मात्र 42 गेंदों में। हेनरिक क्लासेन ने 19 गेंदों में ताबड़तोड़ नाबाद 42 रन की पारी खेल डाली और दोस्तों त्रिवे छेड़ ने भी ओपनिंग करते हुए 58 रन का योगदान दिया। दोस्तों 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। पहले ओवर की 5वीं गेंद तक मात्र 1 रन के स्कोर तक जोश बटलर संजू सैमसन दोनों आउट होकर के पवेलियन जा चुके थे और दोस्तों उसके बाद मैदान पे तूफान आया यशस्वी जायसवाल रियान पराग का, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंदों में 67 रन की धुआंधार पारी खेल डाली। 7 चौके 2 छक्के की मदद से रियान पराग ने 67 रन का योगदान दिया मात्र 49 गेंदों में और दोस्तों आखिरी की 2 गेंदों पे जीत के लिए चाहिए थे राजस्थान टीम को 4 रन। फिर दोस्तों 2 रन ले लेते हैं रोमन पुवल और आखिरी की 1 बॉल पे जीत के लिए चाहिए थे 2 रन। फिर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने LBW आउट कर दिया रोमन पुवल को और मुकाबले को 1 रन के छोटे से अंतर से जीत करके इतिहास रचा।